नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म अजय भारत और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। राहुल गांधी आजकल खौफ में जी रहे हैं। किस बात का खौफ? या खौफ है गिरफ्तारी का? उनके ऊपर इतने सारे मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला है, स्टार वेस्टलैंड का मामला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन मुकदमों की स्थिति अभी क्या है, किस स्टेज पर है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब किसी को यह मालूम होता है कि उसने कहीं ना कहीं कोई गलती की है तो वह अंदर से डर जाता है। कोर्ट में तो केस चलता रहता है और जब आप देश के महंगे वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील जो आधी रात में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा सकते हैं, ऐसे वकील आपके साथ हो तो आपके हौसले बुलंद होते हैं कि कानूनी पेच से तो मैं निकल ही जाऊंगा। लेकिन जब आप कुछ गलत करते हैं तो उसका एहसास भी आपके अंदर होता है और यह एहसास कई बार आपके हौसले को तोड़ देता है और तब आप एक्सपोज हो जाते हैं, बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। राहुल गांधी भी अभी ऐसे ही एक्सपोज हो रहे हैं। अब सोचिए, गुरुवार की आधी रात राहुल गांधी के अंदर गिरफ्तारी का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ईडी के इनसाइडर्स ने उन्हें बताया है। ऐसा लग रहा है कि ईडी का जो कोई इनसाइडर है उसने उनको फोन कॉल किया है। उन्होंने कहा कि ईडी के इनसाइडर ने मुझे बताया है कि उनके खिलाफ रेड पड़ने वाली है। सोचिए, कोई फोन कॉल आया होगा और फिर उन्होंने कहा कि वह चाय बिस्किट के साथ ईडी का स्वागत करने को तैयार है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बकवास सी बात लग रही है ये। अब मोदी सरकार में क्या यह संभव है कि ईडी का कोई व्यक्ति राहुल गांधी को इस तरह की खुफिया जानकारी देगा? अब होने को तो हो भी सकता है। वह कहते हैं ना कि सरकार किसी की हो, सिस्टम तो उन्हीं का है। वैसे इस बात की संभावना कम है कि ईडी का कोई व्यक्ति रात के 2 बजे उनको फोन कॉल करके यह बताएगा। हाँ, यह जरूर संभव है कि उनके अंदर कुछ गलत करने का एहसास हो और उस एहसास ने उनके अंदर गिरफ्तारी का खौफ भर दिया हो, वह विचलित हो गए हो। आधी रात को उनके ट्वीट को देखने के बाद यही लग रहा है कि राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना नया गुरु बना लिया है, राजनीतिक गुरु, क्योंकि राहुल गांधी की यह हरकत बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसी ही है। अब अरविंद केजरीवाल को भी अपने और अपने साथियों के ऊपर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों में ऐसा लगता था कि शायद उनका जेल जाना तय है, इसलिए वह हमेशा कहते थे मोदी सरकार को कि आओ हमें गिरफ्तार कर लो, अगर तुम में हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करके दिखा दो। मनीष सिसोदिया के बारे में यही कहते थे कि अगर हिम्मत है तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके दिखाओ। सत्येंद्र जैन के मामले में भी ऐसे ही कहते थे। और अब मजे की बात देखिए कि ये सब लोग गिरफ्तार हो गए, कोई पत्रा काम नहीं आया, सबको जेल जाना ही पड़ा। आज खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब 2015 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत मिला था तो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि हमें सीखने की जरूरत है केजरीवाल से। पॉलिटिक्स अब कांग्रेस ने सीखा या नहीं सीखा, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल से यह जरूर सीख लिया है कि अगर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे तो क्या कहना है, क्या करना है, ये उन्होंने केजरीवाल से जरूर सीख लिया है। लेकिन उन्हें यह समझना पड़ेगा कि फायदा कुछ नहीं होगा। केजरीवाल भी जेल गए और अगर उनके खिलाफ भी मजबूत केस हुआ तो जेल तो उन्हें भी जाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक वक्त था जब ऐसा माना जाता था कि गांधी फैमिली को कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन आप जान लीजिए कि मोदी सरकार में यह सारी मान्यताएं बदल गई हैं। आपको याद होगा कैसे एसपीजी के रूल्स बदले गए प्रधानमंत्री के परिवार के लिए, और प्रधानमंत्री जबकि ये लोग नहीं थे तो भी नेहरू गांधी परिवार से आने वाले सोनिया गांधी के परिवार के लिए एसपीजी के रूल्स चेंज किए गए। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद यह सारी चीजें बदली हैं। वो रूल जो बना था वह भी खत्म हो गया। अब एसपीजी की सिक्योरिटी इनके पास नहीं है और यह जो मान्यता थी कि गांधी परिवार का यह भौकाल इतना है कि उनको कोई टच नहीं कर सकता, वो भी अब नहीं रहा। राहुल और सोनिया यह दोनों भी अब जमानत पर हैं। इनको कोर्ट में जाना पड़ा और अपने लिए जमानत मांगनी पड़ी। आप सोचिए, कोई छोटी बात नहीं है ये, है यह मोदी सरकार में ही हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।
आपको हमारी खबर कैसी लगी ये जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।